चल तू मुझे लेकर चल। मैं यहां तक आ गया लेके, अब लेके जा रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं एक बार सोच लो आखिरी बार, वो डॉक्टर फ्रॉड है। अरे डॉक्टर फॉरवर्ड नहीं है, वो सरकारी डॉक्टर है। यहाँ देखे घर में मेरी डिस स्लिप हुई है भाई। तो सरकारी डॉक्टर फ्रॉड नहीं होते इस पैर में पूरा दर्द मार रहा, तू वहीं लेकर चल। भैया? मैं ये कह रहा हूं, मैंने कितनों से सुना फ्रॉड गर्दी फैला रहा हो, जब ही तो वो घर पे देखने लगा। तो ड्यूटी भी तो करे ना वो सरकारी। तो ड्यूटी, जब मैं ये कह रहा हूं, उसका एक और जगह क्लिनिक था, उसे वहां से भगा दिया, अब यहां पे घर पे देख रहा, ड्यूटी तो कर अरे रहा वो। MBBS है वो। चल चलो नहीं मानने के तो देखियो क्या होगा। डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब आ जाओ, हैंगे आ जाओ। डॉक्टर साहब। हाँ 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 अरे इंजन तो बंद कर लो ये। हाँ 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 डॉक्टर साहब हाँ 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 जी, हाँ छह महीने पहली बात है, जी, एक अमरूद के बाग में मैं गया और मैंने वहां से दो से तीन अमरूद तोड़ लिए। अब इतने में अचानक अमरूद वाला बाग वाला मालिक आ गया और वो मेरे पीछे भागा। मैं भागा, वो इधर को भागा, मैं उधर को भागा, तो मैं एक डोल से टकरा के गिर गया। फिर फिर क्या, मेरी डिस स्लिप हो गई। मैं चिंगाड़े मार मार के रोने लगा। बाघ वाला कहने लगा, इसके तो पहले चोट लग गई, छोड़ दो, 6 महीने हो गए। सारे हकीमों को दिखा लिया, सारे डॉक्टर को दिखा लिया, सारा कुछ करा लिया, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरी डिस स्लिप हो गई इसे डॉक्टर बेल्ट साहब। को खोलो और सीधे लौट जाओ। अरे डॉक्टर साहब इसे खोल के तो दर्द मारे। अच्छा अरे इसे खोल गई तो चेक करूंगा मैं। उल्टे लेडे, उल्टे पैर अच्छा पैर इधर करो, इधर। इधर करो। बड़ा नाम सुना कि आप सरकारी डॉक्टर हैं, घर पे देख हैं हाँ जी, मैं ड्यूटी के बाद दो घर पे ही पेशेंट दो देखता हूँ। घंटे मैं उल्टे हो जाओ। भी जाओ, जरा सा दुखेगा नहीं तो पैर। देख लो डॉक्टर साहब, हमारे भैया को फोन कर रहा है। एक मिनट सर जी। हाँ हाँ हो गया। सुनो हाँ मुझे, क्या हाँ ऊपर भी दर्द आता है क्या? थोड़ा यहाँ हल्का लगा यू हाथ। डॉक्टर साहब यहाँ नहीं। हाँ, अरे मार दिया डॉक्टर साहब। अरे हाँ चेक करने तो हाँ हमको, चुप हो जाओ। आ नहीं 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 हाँ हाँ कर एक एक्सरे कराना पड़ेगा आपको, दो। इसके आगे खड़े हो जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। इसका आगे खड़ा हो जाओ। हाँ जी, इसके आगे खड़े हो जाओ। ये यहाँ लो, क्या इधर आओ, इधर ये मशीन है एक्सरे की, और क्या है, इधर खड़ा हो जाओ। उल्टा है? अरे डॉक्टर साहब मुझे तो कूलर सा लग रहा। जाओ, इधर आ जाओ। हाँ।
एक्सरे में इनका है ना जो पानी वाली नस है वो दब गई है नीचे जोड़ पे से। ये देख रहे हो ना ये जो तीर का निशाना है जी, ये यहाँ से थोड़ा सा गेप है, और ये देखो हिप्स के पास ये दब गई है ये जो इसको। जेली है ना जेली, हाँ ये इनके खत्म हो चुकी है। तो इसका कुछ ये इलाज तो होगा डॉक्टर साहब। इलाज इलाज है, और काहे के लिए बैठे हम इलाज के लिए बैठे। बहुत तंग आ रहा दर्द तो पूरी पूरी देखो रात हो जा ये हमारी बैकबोन है, जी। ठीक है, हाँ ये हमारी बैकबोन है, बैकबोन और ये ऊपर से आ रही है यहाँ से गर्दन से, ठीक है, ये हो गया हमारा सर्वाइकल एंडो सर्वाइकल, और ये बीच बीच में गुटके से जो है ना ये आपस में जुड़े रहते हैं जिससे हमें चाल मिलती है, और ये हमारे हो गए यहाँ पे हिप्स, ये प्लेट हो गई नीचे की, और ये जो बराबर से नस आती है जी, ये लिक्विड वाली होती है, ठीक है, जो दब गई। हाँ जी, इसके बराबर से एक हमारी कोशिका होती है, ये ऐसे ही इधर हल्की सी दब गई, तो जिससे ये लिक्विड वाली नस चलनी बंद हो गई, ये बीच में है ना ये जो बना ये गेप आ गया इनका, अलग सो गया दर्द का मारे पानी कर पानी पिलाओ भैया इनको, आप कर इन्हें पूरा। पानी पिलाओ, यहाँ वाटर कूलर से पानी ले लो, ठीक अच्छा, ओके। है जी, तो अच्छा आप ठीक तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। हाँ पर डॉक्टर साहब, करने वाली जात तो ऊपर वाले की, जी बस बहाना है कोई ऐसी दवाई दे दो। हाँ ये तो आपको रात को लेनी है, ये अच्छा, सोने के बाद लेनी है। ये सोने के बाद लेनी है। हाँ जी, और एक अच्छा ये देसी दवाई है, ये तुम्हें दोस्त से लेनी है शाम को। कौन सी, कितनी दवाई, क्या क्या है इसमें? भाई ये मत पूछो क्या क्या है, ये 2,500 रुपये की अकेली दवाई है। अब आप लोगे तो बताओ, क्योंकि ये जो आपकी जोड़ हिले है ना नीचे से हिप्स के जी पास से, हाँ ये तो बैकबोन हो गई आपकी, ये यहाँ पे गैप आ गया हल्का सा, ये यहाँ से जैसे दब गई ना जी तो ये लिक्विड आना बंद हो गया, लिक्विड वाली ना जो ये बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए, जिस वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है। और डॉक्टर इनके साहब है ना यहाँ बीच में भी दर्द आता ना। देखियो, हाँ नसें नसें कैसे खड़ी हो गई मेरी, हाँ ये भी दर्द आता होगा दर्द आपके, यहाँ आ रहा पूरा, और इसमें थाई में और होता यहाँ होगा। झटके लग रहे हैं थाई में। हाँ तो ये यहाँ पे हिप्स के पास से थोड़ा सा गेप हो गया, ये जो हिप्स है ना ये यहाँ से जब गेप खत्म हो जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरा होगा, तो हिप्स में और इनमें थाइयों में दर्द ऑटोमेटिक अपना आप खत्म हो जाएगा। ओके ठीक। तो इसके लिए आपको दवाई खानी होगी, जो कि आ 15 दिन की दवाई है झटका डॉक्टर साहब। ये झटके लग रहे हैं, पूरी पूरी रात हो जा झटके लगते लगते इनको। हाँ हाँ, तो वो जो जेली होती है ना जेली, आ वो खत्म हो चुकी है, और रीढ़ की हड्डी इनकी बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी है। तो तो अब इस उसका कुछ पेटेंट इलाज बताओ इसका जो। पेटेंट ऐसा इलाज है, ये डब्बा देख रहे हैं आप, जी ये 2,500 रुपये का डब्बा, इनकी 15 दिन चलेगी, दरा दरा से तोड़ के और दूध के साथ शाम को लेंगे। अरे दिखवा तो क्या है इसमें? देखो ये दिखा तो मैं दूंगा, पहले आपको इसके पैसे पे करने पड़ेंगे, 2,500 रुपये की ये दवाई है, और वापस होगी नहीं, ठीक है ना। तो आप पेमेंट करो, मैं आपको दवाई चेक कराता हूँ और बताता हूँ कैसे लेनी है। पेमेंट तो कर दूंगा, पेमेंट तो मेरी जेब में पड़ा, पर अच्छा मुझे इसे समझा दो तो हाँ, मेरे मैं को समझा रहा पेमेंट हूँ। समझा दो इनको खानी। अरे ये इंजन तो बंद रखो अपना, अरे भैया जब दर्द हो तो 4-5 लो डॉक्टर साहब, एक अच्छा जी बात बतलाऊं, जी सर। पूरे तुम भी जितने भी तुम हो ना सब डाकू हो रहे, आ क्या कह रहे हो, रहे हो जरा सी दवाई के इतने पैसे बतवा ये दिए जरा तुमने। सी नहीं है, बहुत कीमती दवाई है। अरे क्या कह रहे हो, कम से कम अपना मुंह तो बंद रखो, जरा दवाई समझ लो। कैसे खानी? ये कैप्सूल है ना, ये सुबह उठने से पहले पहले लेना है पानी से। सुबह उठने से पहले? अरे वो दवाई कहाँ है, ये सोने के बाद? ये सोने के बाद, हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा और एक दवाई और है जो बेशक आपके लिए कीमती है, ठीक है। ठीक।
ये बहुत कीमती दवाई है, इसे इतनी सी तोड़नी है चने के बराबर और दांतों से चबा के खानी है, अच्छा दूध से तेज मीठा कर लेना और इसे चबा के खा लेना, ठीक है। ये 15 दिन बाद आप मुझे कमर तो सही हो जाएगी, डिस मेरी सारे जोड़ ऐसे जकड़ जाएंगे जैसे बिल्कुल जुड़ गए हो सीधे, टन इस दवाई से। हाँ न टन। क्या हो गया, क्यों उल्टे सीधे मुंह बना रहे हो? डॉक्टर साहब क्या है? हाँ क्या है ये? अबे ये दवाई है, नहीं दवाई है क्या? हाँ कहेंगे दवाई है। अरे ये जोड़ की दवाई है, जो गैप हो रहा ना, जेली जो नहीं खत्म हो रही रीढ़ की हड्डी की, उसकी दवाई है ये। तो है किस चीज की हो? मैं तो बहुत बहुत अजीब सी आई। अजीब सी तो आ गई, लंगूर की टट्टी है। लंगूर की टट्टी हाँ क्यों यो, नहीं चाहिए? अरे क्यों नहीं चाहिए, ये तो खानी अरे पड़ेगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब नहीं। अरे ओ भाई दवाई है ये डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो आप टट्टी दोगे क्या खिलाने के लिए? भाई, अरे लंगूर की टट्टी लंगूर को दे रहा हूं, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या कह रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब दवाई हमारे को पैसे दे दो, हमें नहीं चाहिए दवाई। भाई मैंने पहले ही कह दिया था हाँ दवाई वापस नहीं होने की, क्या चीज? दवाई वापस नहीं होती, ठीक है अरे तो ना लंगूर की टट्टी खाने जाओ, हम वो दिन आ गए हमारे। भाई? तू भी तो लंगूर सा है, लंगूर की टट्टी खा अरे ओ जा। भाई ओ भाई क्या कह रहे हो तुम? लंगूर हमारे भाई लंगूर दिखाई दे रहे क्या? अरे यार लंगूर को खड़ा कर लो और इसको खड़ा कर लो, ये बेल्ट बांध रहा है मैं तो, मेरे दर्द हो बेल्ट रहा बांध लो, दवाई ले जाओ और है। टेंशन फ्री होके दवाई ये खाओ, ठीक डॉक्टर साहब है को ढंग की दवाई दो यार, भाई? ये दवाई है, लंगूर की टट्टी कौन दे रहे? फालतू तो बात कर रहे तुम। ये लंगूर की टट्टी भले ही हो लेकिन काम बहुत तगड़ा करेगी। क्या करूं मुझे क्या पता, मैं तो पहले ही मना कर रहा था तुमसे। लो दवाई लो और खाओ। हाँ नहीं ये बहुत बेशक कीमती दवाई है आपके लिए, लंगूर की अरे टट्टी ढूंढे से भी नहीं मिलती। करते क्या हो डॉक्टर तुम? साहब अब ये भी नया काम करा मैंने, बहुत नया काम है मेरा। आपका काम अच्छा चले, सबसे पहले कस्टमर हम होंगे आपके। वैसे अच्छा आप अरे काम क्या करो बता तो दो। डॉक्टर साहब अच्छी बात है, फर्स्ट कस्टमर आप मेरे बनेंगे तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती होगी। वैसे मेरा कब्र खोदने का काम है। हाँ कब्र खोदने का काम और मुझे कस्टमर बनाना पहला? अरे भैया तुमने कहा ना। खड़ो खड़ो, हाँ अरे डॉक्टर साहब लेके जाओ इन्हें। कब्र खोदने मेरे पहला कस्टमर बना रहा, चलो।